अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खुशबाश और मज़े में। और सुनाएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। माशाल्लाह मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि मौसम भी आजकल बहुत हसीन है और गर्मी का तो बिल्कुल पता नहीं लग रहा, तो रोज़े बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और इसके अलावा बस वही थोड़े बहुत घर के काम जो होते हैं, कि घर के काम करें या फिर किचन के काम करें, तो रोज़ों में थोड़ी सी जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा खुश करना पड़ता है दस्तरखान के थ्रू। तो इस सिलसिले में भी जो है हमें काफ़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ती हैं कि आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना था, और बस यही सब कुछ होता रहता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बेकिंग करूँगी, तो बेकिंग हो रही है आज। किचन में बन रहा है मेरे पिज़्ज़ा स्टिक्स और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा स्क्वायरल बंस। इसके लिए सबसे पहले हम डो बना लेंगे, और डो बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों से लास्ट वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही ईजी होता है डो प्रिपेयर करना, बस इसके सारा गेम जो है वो है जी नीडिंग का। तो अगर नीडिंग अच्छी हो तो डो बहुत अच्छी और ज़बरदस्ती बनके तैयार हो जाती है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले डो तैयार कर रही हूँ, और दोनों रेसिपीज़ मेरी इसी एक डो से बनकर तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा मैं डिनर में कुछ और चीज़ें बनाऊँगी, और सहरी के लिए भी कुछ चीज़ें मुझे तैयार करनी है। सहरी में तो ये है कि हम राइस नहीं खा सकते, और आज डिनर में मैं राइस बना रही हूँ, और सहरी में बच्चों को पराठे और भुनी हुई चीज़ें चाहिए होती हैं सालन फॉर्म में, तो मैं उस तरह की चीज़ें ज़्यादा कर लेती हूँ। लाइक भुना हुआ गोश्त हो गया, या भुना हुआ कीमा कर लिया, चिकन की कोई चीज़ बना ली, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मेरे घर चल रही होती हैं सहरी के लिए। अदरवाइज़ दही के साथ भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा पराठा पसंद करते हैं खाना, तो हमारी जो सहरी की मेन डिशेस होती हैं वो यही होती हैं। इसके अलावा हम राइस वग़ैरह नहीं लेते, क्योंकि राइस ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, तो रोज़ा लगने के खदशात बढ़ जाते हैं दोपहर में, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि पराठा ही खाएं। और यहाँ पर मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ, मैंने इसमें सारी वेजीज ऐड किए हैं, लाइक कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज एंड स्प्रिंग अनियन, और इसके साथ ही मैंने इसमें श्रेडेड चिकन ऐड कर दिए, और ज़्यादा कोई मसाले इसमें मैंने ऐड नहीं करने हैं, जस्ट सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया है, साथ चिली सॉस, सोया सॉस ऐड किया है, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें क्रश्ड रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। बस इसे स्टर फ्राई करना है, जल्दी जल्दी इसे चम्मच चलाते रहना है, और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी कुक्ड हैं, और सब्ज़ियाँ जो हैं जो मैंने ऐड की तो फ़ौरन ही कुक हो जाती हैं, श्रेडेड चिकन भी हमारी बॉइल्ड थी। तो बस अब डो भी रेडी हो चुकी है, और अब हम इसके साथ ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी यहाँ पर स्क्वायरल बंस, और इसके लिए मैंने डो को सबसे पहले इस तरह से रोल कर लिया है, और इसके कुछ मैंने पेड़े काट लिए, जितनी भी जो साइज़ मुझे चाहिए मैंने उतनी ही साइज़ के पेड़े कट कर लिए हैं। अगर आपको बड़े बनाने हैं तो आप बड़े बड़े पेड़ बना लें, अगर आपको छोटे बंस बनाने हैं तो आप इससे छोटे भी बना सकते हैं। मैं बेसिकली इतने ही बड़े बंस बना रही हूँ, ये मेरी फैमिली के लिए इनफ है, एक वन पर्सन ईच। तो ये देख लें, अब मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ, इस तरह से मैंने इसको रोल आउट कर लिया, और इसके बाद मैं इसको शेप दे दूँगी।
मर्ज़ी है आपकी, आप अगर चाहें तो जस्ट बन भी बना सकते हैं और उसके अंदर आप फिलिंग कर लें। और ये रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, वो थोड़ी डिफरेंट रेसिपी थी जो मैंने शीज़ के बर्थडे पे आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी मेरी वो वीडियो तो आप जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इतनी पुरानी भी नहीं है, यही कोई होगी एक मंथ पहले की, एक या दो मंथ, तो आप वहाँ पर जाके और रेसिपीज़ बेकिंग की देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी बहुत सारी बेकिंग की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लाने वाली हूँ। बेकिंग मुझे करना बहुत शुरू से ही पसंद है और मुझे मज़ा आता है बेकिंग करने में, और मुझे क्या आई थिंक बहुत सारी बच्चियों को, लड़कियों को, ख़वातीन को अच्छा लगता होगा बेकिंग करना, और बहुत सारी ख़वातीन तो इसलिए भी नहीं करती होंगी कि पता नहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो हर काम करने से ही आता है। और हर काम करने के लिए अगर आपने वो काम ना किया हो पहले तो आपको स्टार्ट लेना पड़ता है, एक दफ़ा रिस्क लेना पड़ता है। और बेकिंग एज सच कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है इसको। और अब तो बेकिंग इतनी ज़्यादा आसान हो गई है कि आपको इसके लिए किसी ओवन वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चूल्हे पर भी बेक कर सकते हैं बहुत आराम से। तो वो ख़वातीन जिनके पास ओवन नहीं है या वो ये सोचती हैं कि ओवन के बग़ैर हम बेकिंग कर ही नहीं सकते, तो बिल्कुल ग़लत हैं आप, आपकी सोच बिल्कुल ग़लत है। आप चूल्हे पर भी बेक कर सकती हैं बहुत अच्छी तरह से। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप चूल्हे पर किस तरह से बेकिंग कर सकती हैं। और वो लोग जो अपार्टमेंट्स वग़ैरह में रहते हैं और जिनके पास ओपन एरिया नहीं होता बारबेक्यू वग़ैरह करने के लिए, तो उनके लिए भी मैं शेयर करूँगी कि वो अपने अपार्टमेंट के अंदर किस तरह से बारबेक्यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में आप बहुत अच्छी अच्छी और यमी यमी चीज़ें बना के खा सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा स्टिक्स, इसको सबसे पहले मैंने एग वॉश लगाया, एग वॉश लगाने के बाद मैं इसको अब बेक करूँगी। पहले जो मैंने स्क्वायरल बंस बनाए वो भी हमने 180 डिग्री पे ही बेक करने हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, और इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बेक किया है 180 पे। और ओवन टेम्परेचर सबका अपना अपना होता है सिस्टम, तो आप देख लीजिएगा कि आपका ओवन टेम्परेचर क्या है। मैंने 180 पे किया है, 180 पे मेरे अच्छे ये बंस बेक हो गए थे। और पिज़्ज़ा स्टिक्स पे अब मैं लगा रही हूँ मैरिनारा सॉस। मैरिनारा सॉस बनाने की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किसी और दिन। और इसके ऊपर अगर आप चाहें, अगर आपके पास मैरिनारा सॉस नहीं है तो आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, और अगर पिज़्ज़ा सॉस भी नहीं है तो आप टोमेटो पेस्ट लगा रहे हैं, टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सॉल्ट और शुगर स्प्रिंकल की है थोड़ी थोड़ी टेस्ट इन्हेंस करने के लिए, और उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ स्प्रेड करने के बाद मैं इसके ऊपर फिलिंग ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था फिलिंग्स ऐड नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए फिलिंग ऐड कर देते हैं, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी फिलिंग ऐड होने के बाद भी। और इसको मैंने सर्व किया है थाउजेंड आइलैंड सॉस के साथ, तो बहुत ही यमी से ये बंस बनके रेडी हो गए थे और बहुत ही लाजवाब थे। इसे एक दफ़ा स्टिक्स और इसको एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान, तो आप मुझे बहुत दुआएं देंगे। और इसके साथ ही हमारी स्क्वायरल बंस भी बनके रेडी हैं, इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं कर रही हूँ जी सहरी की तैयारी, और मैंने ले ली हैं छोटी छोटी बीफ की बोटियाँ, और इसमें मैंने सारे मसाले ऐड किए हैं, हल्दी, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, और तिक्का मसाला रेडीमेड वाला वो मैंने ऐड किया, थोड़ी सी दही ऐड की है। और इसके बाद मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, यही कोई 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। और इसके बाद जो है फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आगे क्या किया। बहुत ईजी रेसिपी है ये, और इसमें आपको कोई खड़े होकर पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट मैरिनेट करके छोड़ दें और इसको चूल्हे पे चढ़ा के बस भूल जाएं, ये खुद ही अपनी हल्की हल्की आंच पे पकता रहता है। तो यहाँ पे मैंने साबित टमाटर ले लिए, बहुत सारे टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किए। मैं थोड़ा सा मसालेदार, मतलब इसका जो फॉर्म है ना ग्रेवी वाला वो थोड़ा थिक जा रही थी, तो मैंने टमाटर ज़्यादा ऐड किए। और वैसे भी आजकल टमाटर काफ़ी सस्ते हैं, तो आप जी भर के डालें, जितना दिल चाहे उतना यूज़ करें। और ये देखें इसके ऊपर मैंने बस इसको सारी बीफ बैटर जो है इसके अंदर ऐड करके थोड़ा सा स्टर किया, और अब इसे पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ दूंगी। ये आराम से गल भी जाएंगे, इसमें टमाटरों का पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये रेडी हो जाएंगे। एक चीज़ और ऐड करनी है, वो एंड पे ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं सारी वेजीज कट कर रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ आज फ्राइड राइस, और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी स्वीट एंड सावर चिकन। तो इसके लिए मुझे सारी वेजीज कट करनी है, तो मैं सारी वेजीज कट करके रख रही हूँ पहले। मैं अमूमन फ्राइड राइस में कैप्सिकम भी ऐड करती हूँ थोड़ा सा कलर देने के लिए, वरना अगर आप सिर्फ गाजरें और कैबेज ऐड करते हैं तो फिर उसमें इतना
कलर नहीं आता। और अगर आप चाहें तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। और इस वक्त मैं कॉर्न नहीं निकाल कर लाई हूँ फ्रीज़र से, क्योंकि अभी मुझे उसको अंदर कहीं पड़ी भी होगी वो कॉर्न, और मुझे ढूंढनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि बस ये जो वेजीज़ हैं बस यही ऐड कर लेते हैं अभी, बाद में फिर किसी दिन कॉर्न वाली भी बना लेंगे। कॉर्न का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और कुछ कैप्सिकम मैंने कट की हैं स्वीट एंड सावर चिकन के लिए, और बाकी बारीक बारीक चॉप कर लिए फ्राइड राइस के लिए। और ये गाजरें मैं कट कर रही हूँ स्वीट एंड सावर चिकन के लिए। इसके लिए आपको गोल गोल गाजरें या मोटी मोटी कट करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए हमें, जबकि फ्राइड राइस के लिए हमें बारीक कट करनी होती हैं जूलियन फॉर्म में। और यहाँ पर है जी स्प्रिंग अनियन, ग्रीन वाला पार्ट मैंने कर लिया, ये जाएंगे जी फ्राइड राइस में। और जो वाइट वाला पार्ट है वो मैं यूज़ करूँ स्वीट एंड सावर चिकन में। चाइनीज़ बनाना तो वैसे बहुत इजी होता है, लेकिन सारा जो इसका मसला है ना वो होता है जी वेजेस कट करने का। तो अगर मैं तो खैर फूड प्रोसेसर में ही सारी चीज़ें कट कर लेती हूँ, लेकिन अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप पहले से सारी वेजेस कट करके रखें। और मैं वैसे भी सारी वेजेस पहले ही कट करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि लास्ट में सारा काम होता है जी मिक्सिंग का और स्टरिंग का, तो फिर काफ़ी इजी रहता है। और यहाँ पर मैंने कुछ टमाटो चंक्स भी लिए हैं। चावल मैंने धो के बॉईल कर लिए थे और बॉईल होने के लिए रख दिए थे, ताकि उसे उसके लिए मैं फ्राइड राइस के लिए पहले से मेरे पास चावल बॉईल मौजूद हो। और यहाँ पर मैं स्वीट एंड सावर चिकन की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें स्वीट एंड सावर चिकन का जो पैकेट आता है रेडीमेड, उसके हाफ मैंने एक क्वान्टिटी ली है मसाले की, और एक अंडे की सफ़ेदी ऐड की है। जर्दी ऐड नहीं करनी, जस्ट सफ़ेदी ऐड करनी है। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिए। बोनलेस चिकन लेंगे क्यूब्स फॉर्म में, और इसके बाद एक चम्मच ऑयल ऐड करके मैं इसको रख दूंगी अच्छी तरह से मैरिनेट होने के लिए। थोड़ी सी हमने इसके अंदर ऐड करनी है जिंजर गार्लिक पेस्ट भी, तकरीबन 1 टीस्पून जितना, और फिर इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। ज़्यादा नहीं, चिकन है फ़ौरन ही हो जाती है मैरिनेट, तो इसको आप बस 10 से 15 मिनट के लिए साइड पर रख दें। और यहाँ पर हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। जो हाफ पैकेट हमारे पास रह गया है मसाले का, उसके अंदर ही मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड की है, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख दिया। तो अब आते हैं जी प्रोसीजर की तरफ। और चिकन को अच्छी तरह सौती करने के बाद इसमें हम अपना ऐड करेंगे मसाले और वेजीज। सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से सौते कर लिया है व्हाइटिश कलर में, जब हो जाए तो वेजीज ऐड कर दें। वेजीज में वही है जी शिमला मिर्च, गाजरें और वाइट वाला पार्ट जो हमने कट किया था स्प्रिंग अनियन का। और बस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके अपना वो पेस्ट ऐड करना है जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। और टमाटो चंक्स हम लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि इसको हमें घुलना नहीं चाहिए, टमाटो चंक्स बिल्कुल ऐसे ही क्यूब्स फॉर्म में ही रहने चाहिए। तो मोटे मोटे क्यूब्स मैंने कट करके ऐड किए। दैट्स इट, इसके बाद ये हमारी रेडी हो जाएगी चिकन स्वीट एंड सावर। और इसके बाद ये देखें कि मैंने चावल भी बॉयल कर लिए, और जस्ट स्टरिंग करूँगी अब चावलों की फ्राइड राइस के लिए। और साथ ही मेरे जो बीफ हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। तो राइस जो है ना वो रात में आज खाने का जी जा रहा था कि आज रोज़ाना, क्योंकि हम वही खा रहे हैं रोटियां वगैरह, तो राइस फैरी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसने आज फरमाइश कर दी कि आज राइस होनी चाहिए। और अभी उसकी बिरयानी की भी फरमाइश आई हुई है, पूरी एक लिस्ट आई हुई है उसकी नेक्स्ट 1 वीक की राइस वाली, कि आज ये वाली राइस बनाने हैं, आज ये वाले राइस बनाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है पहले फ्राइड राइस ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अंडा जो है वो मैंने 3 अंडे लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा ले लें कम ले लें, मुझे इनफ लग रहे थे। तो एक ही पैन में मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो इसमें जो है ना मैं पहले अंडा मैंने फ्राई कर लिया है, और फिर इसी पे ही मैं वेजीज भी फ्राई करूँगी। अलग अलग नहीं निकाल रही कि अलग से इसको निकालूँ और फिर करूँ, तो काफ़ी मुझे ना हैक्टिक लगता है। बस यही सही है, वन पैन कुकिंग मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से मैंने सारी वेजीज भी ऐड कर दी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें थोड़ी सी जो है ऑयल की कमी है, तो मैंने थोड़ी सी ऑयल भी ऐड कर लिया। पतीली तो हमारी गर्म ही थी, ऑयल ऐड के मैं जल्दी जल्दी इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी, तो हमारे फ्राइड राइस भी बनकर रेडी हो जाएंगे। Thank you.
नमक और पेपर ऐड कर लें, काली मिर्चें, और बस इसको ना जब भी फ्राइड राइस बनाएं तो हमें ना इसको जल्दी जल्दी स्टर करना होता है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये स्टिकी हो जाएंगे। सब्जियां पानी छोड़ देती हैं और फिर स्टिकी हो जाते हैं चावल, तो सब्जियों का पानी फ़ौरन खुश्क करने के बाद ही हमें इसमें चावल ऐड कर देना होता है। और चावल आपके जो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं होने चाहिए, हार्ड बॉयल होने चाहिए, और फिर सारी कुकिंग जो है ना वो स्टर करने के बाद ही आपने करनी होती है। बस थोड़ी सी हल्की सी आँच पर इसको छोड़। स्वीट एंड सावर चिकन भी रेडी है जनाब। और यहाँ पे ये है जी वो सेहरी के लिए जो मैंने बीफ बोटियाँ तैयार की थी, ये बिल्कुल रेडी हैं और देखें कितना अच्छा सा ये भुन गया। और टमाटर भी बिल्कुल घुल चुके हैं। वो मेरी बहनें जिनके जहन में आ रहा हो साबित टमाटर तो घुलेंगे ही काफ़ी टाइम में, तो जी नहीं है, बिल्कुल फ़ौरन ही घुल जाते हैं। और इसके ऊपर जस्ट मैं ब्राउन अनियन ऐड कर रही हूँ, पहले से फ्राइड की हुई प्याज जो मैंने रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। जस्ट बिल्कुल लास्ट में आपने इसको ऐड करना है, थोड़ा सा दम लगाऊंगी और ऊपर से हरा धनिया बस, और फिर ये रेडी हो जाएगा। और ये हमारी सारे जितने भी चीज़ें हैं मैंने आज तैयार की सब कुछ रेडी हो चुका है। ये हमारी जी फ्राइड राइस हैं मज़ेदार से, ये भी रेडी है। स्वीट एंड सावर चिकन भी रेडी है, बीफ बोटियाँ भी रेडी हो गई हैं, वो हम सहरी के लिए यूज़ करेंगे, ये हम रात डिनर के लिए, और इफ्तारी भी हमारा रेडी है। साथ ही मैंने थोड़े से पकौड़े फ्राई कर लिए थे, पकौड़े मैंने अपने लिए और समोसे बच्चों को चाहिए थे, और बस सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। बीफ बोटियों पे मैंने ज़्यादा शोरबा नहीं लगाया क्योंकि ये हमें भुना भुना ही चाहिए। और हमारे स्क्वायर बंस देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और पिज़्ज़ा स्टिक्स भी बहुत यमी बनी रही, बहुत टेस्टी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे इफ्तार भी हमारा बिल्कुल रेडी है, थोड़े से फ्रूट्स कट कर लिए थे, क्रैकर्स चीज़ को पसंद है उसके लिए मैं क्रैकर्स ज़रूर फ्राई करती हूँ। और बस ये थी जी आज के इफ्तार एंड डिनर मेन्यू साथ सहरी। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।